ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इसमें अगर आपको कोई तकलीफ हो तो वो बताओ, इसमें कोई कठिनाई हो, अगर हमारा अभी क्या हो रहा है, एक दिखाई देता है कि किसी को अपनी कमी दिखाई नहीं देता है, दूसरों की कमी दिखाई देता है। इनका माता जी ऐसी बैठी है, इतना पता चलता है। माता जी को ऐसा नहीं बैठना चाहिए, उनको पाँव दर्द करता, उनको ऐसा बैठना अच्छा लगता, वो बैठी है, मैं जैसे चाहे वैसे वो बैठेंगी नहीं है ना। लेकिन हमारे मन में किसी को देखकर ये गलत विचार आता है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो हम चाहते हैं दूसरों को परिवर्तन करना, अपनी कमी, लेकिन हम जो करते हैं वो सही लगता है, दूसरे ये ठीक नहीं करते हैं। ऐसे ही है ना, हम जो करते हैं हम समझते हैं हम सही करते हैं, आप सही करते हो, लेकिन वो आपकी आचरण बोल कर्म दूसरों को ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ उपाय बताओ। हाँ नहीं, कैसे बताया? अगर आप कहते हो, उदाहरण बताओ एक, अभी आप जवाब देना वास्तविक। अभी आपके युगल है, बच्चे हैं, परिवार में, घर में आप सोते हो, है ना, सभी, और आप अकेला ज्ञान में चलते हो और कोई नहीं चलता। आप कहेंगे बाबा ने कहा 4 बजे उठो, आप सवेरे उठता है, 4 बजे लाइट जलाता है, हाँ लाइट जलाता, आवाज करता है, उठता है, स्नान करने जाता है, तो सारे घर वाले युगल बच्चे, अरे पप्पा देखो सवेरे उठता है, सबकी नींद फिटा देता है, सबको सोना भी नहीं देता है, क्या करता है ये? भगवान को सवेरे उठते हमारे नींद खराब करते, हमको सोना नहीं देता है। आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, आप गलत तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी तो, लेकिन आपको लगता नहीं ये डिस्टर्बेंस है, मैं भगवान को याद करने उठ रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो चलन है वो उनको पसंद नहीं। आपके घर वाइफ कहेंगे ये तो रोज सवेरे लाइट जलाता, हमको सोना नहीं देता है, सवेरे उठता है, स्नान करता है, योग लाइट करने योग कर करके बैठ रहा है, मंदिर में जाता नहीं, पूजा नहीं करता है, है ना, वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी चलन औरों को अच्छा लग रहा है। यहां आता है आवाज, यहां अशांति हमारे कर्मों से और परिवार असंतुष्ट रहता है। में जाना है, आएंगी, पति को ऑफिस में जाना है, अच्छी नौकरी में जाना है, चाय बनाया, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में काम करना है, सफाई नहीं किया तो वो कौन करेगा? संसार आपने बनाया तो संसार की सेवा कौन करेगा? आप अपना देखते हो, मुझे मुरली सुनने जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इसका निवारण आप बताओ। घर में आप उठते हो, दूसरों को तकलीफ होते है ना कि नहीं होता है? होता है ना, तो क्या निवारण बताओ, इसका कोई निवारण? हर एक अपना देखता है, अपने साथ जो दूसरे हैं उनके क्या क्या विचार क्या चलेगा, और कोई बोलता नहीं, बोलकर बोलेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, सुनेंगे नहीं आप, तो क्या करना चाहिए? नहीं, संकल्प चलाने से नहीं, उनको पूछना है, मैं सवेरे उठूं, आपको कोई तकलीफ नहीं, पूछ के करना है ना। आपका कहना है परिवार में अगर आप सवेरे उठते, आप अपने युगल को, बच्चों को, माताजी मुझे सवेरे 4 बजे उठना है, कमरा एक ही है तो मैं लाइट जलाऊंगा, आपको तकलीफ है? अगर वो कहते नहीं नहीं उठो, को हर्जा नहीं, नहीं आप उठते हो हमारे नींद फिर जाती है, आप जल्दी सोते हो, वो घर में काम करते सोते सोते लेट होता है, तो क्या करे? समस्या तो है ये, उसका निवारण बताओ। हर एक का अलग अलग कमरे है तो ठीक है, अलग कमरे में सोए किसी को, लेकिन सबका आज के दुनिया में सभी का एक जगह कमरा, एक ही मकान है, तो क्या उपाय है उसका? हाँ, उसका उपाय ये है कि आप कुछ ढूंढना है कि सवेरे उठो, आवाज नहीं करना है, चुपचाप जा करके छत पर बैठो, ऐसे आंगन में बैठो जहां जैसे माताएं अगर ज्ञान में चलती है तो आप किचन खाली है,
किचन में बैठो जा करके, किसी को तकलीफ नहीं आए, तो ऐसा जेको मेरे कारण दूसरों को अशांति न हो, ये प्रबंध है। जिसको कहते हैं दूसरों को दुख नहीं दे दो, आप देते नहीं हो लेकिन मिलता है। हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से दुख और अशांत है, तो वो ज्ञान में चलेंगे कभी? ज्ञान सुनेंगे कोई नहीं, इसलिए परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो हम अपना स्वार्थ देखते हैं, उनको हमारे उनको पूछ के करना है। अगर तकलीफ है सवेरे ऐसे उठो जब किसी को पता नहीं चले, उठ करके माता एक किचन खा ले, भाई सवेरे उठो छत पर बैठो, अगर ऐसी जगह पर जाके बैठो गार्डन में, कुछ प्रबंध है जहाँ किसी को गैलरी पर आके बैठो, मेरे आचरण से औरों को तकलीफ ना हो, तब कहेंगे हाँ ये जो करते हैं वो सही करते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को भी सुख मिलना चाहिए हमारे आचरण से। समझ में आया? ऐसे हो सकता है ना, पूछ के कर।